आगरा दक्षिण विधानसभा से 3 बार के विधायक योगेंद्र उपाध्याय को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर आगरा के मुस्लिम बहुल्य मंडोला में मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण करा, साथ ही इस मौके पर आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। इस दौरान मुस्लिम समाज के दुहकारा आगरा के भागीरथ योगेंद्र उपाध्याय को मंत्री बनाए जाने पर शीर्ष व प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर हाजी पठान जी, बंटू माहौर सुभाष मंडल उपाध्यक्ष मोहर समाज, मोहम्मद वाजिद भूत अध्यक्ष, मोहम्मद इमरान अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष, मोहम्मद दानिश युवा नेता, मोहम्मद बिलाल अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष, मोहम्मद आबिद अल्पसंख्यक मोर्चा मंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा, मोदी और योगी जी के विश्वास को जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया है, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा जो सरकार बनाई है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो पिछली सरकार से और बेहतर जनता के बीच में काम होने जा रहा है। और मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत उत्साह, बहुत जोश है। जो भारतीय जनता पार्टी की द्वारा सरकार बनी है और इस दक्षिण विधानसभा के जो विधायक हैं श्री योगेंद्र उपाध्याय, उनको आज कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है, तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी मुस्लिम समाज की ओर में जो हमने लड्डू आतिशबाजी छुड़ाई गई है, सबको हमें सहयोग मिल रहा है और सब हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रोग्राम बनाया आपने आतिशबाजी के लिए, जितनी उपलब्धियाँ लगाए। आज सबसे पहले तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ग्रहण लिया, उसके साथ कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। और दूसरी आतंकवादी की खुशी ये हमारी हमारे आगरा दक्षिण विधानसभा के विधायक माननीय श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी कैबिनेट मंत्री बनाए, इस खुशी के अंदर आतंकवादी और लड्डू का वितरण किया गया। अब ये मंडोला के अंदर आप कैसे कार्य कराएंगे, जैसे आपकी पार्टी बहुत बहुमत से आई है, तो आप आगे कैसे कार्य कराएंगे? अभी शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद कार्यभार संभाले जा रहा है। कार्यभार संभालने के बाद मई के महीने के अंदर जो ग्रांड आ गई, उसमें हम माननीय विधायक जी मंत्री जी से बातचीत की है, पहली बात की थी, और एक बार फिर हम बात करेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब तक मंडोला के अंदर कार्य काम किया जाएगा।